العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتحاضر لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها हमारा सिलसिला गुफ्तगू अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रहा है। वशम से वदुहा कसम है सूरज की और कसम है सूरज के उस वक्त की जब वो अपने कमाल पे आ जाए। वल कमर इजा तलाहा कसम है चांद की कि जब वो बिला फासला सूरज के पीछे आए और अपने कमाल की मंजिल में हो। वन नहारे इजा जल्लाह और कसम है दिन की जब वो मुकम्मल तौर से रोशन हो जाए। वल लैल इजा यक्शाह और कसम है रात की जब वो मुकम्मल तौर से तारीफ हो जाए। वह समाय वमा बनाहा कसम है आसमान की कि हमने उसे कितना मुकम्मल और कितना अच्छा बनाया। वल अर्ज वमा तहाहा कसम है जमीन की कि हमने उसे कितनी खूबसूरती के साथ फैला दिया। वह नफ्स वमा सवाहा कसम है नफ्स की कि हमने उसे कितना बेहतरीन बनाया। व अलहमहा फजूरहा व तकवाहा और उसे फिस्क व फजूर और तकवा दोनों सलाहियतें बराबर से वदियत कर दी। कद अफलहा मन ज़क्काहा तो वो शख्स कामयाब हो जाएगा जो अपने नफ्स को पाकीज़ा कर ले। व कद ख़ाबा मन दस्साहा और वो शख्स हलाक हो जाएगा जो अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा कर ले। परवरदिगार ने इन आयात में ज़हन इंसानी को जो पैगाम दिया वो पैगाम ये है कि अगर मफ़रत चाहते हो, अगर नजात चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लो। अगर अगर कामयाबी चाहते हो अपने नफ्स को गुनाहों से बचा लो, गुनाहों से पाक कर लो। भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को गुनाहों में आलूदा करती हैं और वो चीज़ें क्या हैं जो इंसान को गुनाहों से दूर रखती हैं, पाकीज़ा बना देती हैं, इन्हें समझने के लिए दो दकीकों का लम्हा फिक्र। देखो सब जानते हैं, मेरा कोई मोहतरम सुनने वाला ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि नमाज पढ़ने में सवाब है, नमाज न पढ़ने में अदाब है। नमाज पढ़ने में सवाब मिलेगा, नमाज छोड़ने से अदाब होगा। तो नमाज पढ़ो सवाब मिले, शौक नमाज पढ़वाएगा, शौक शौक नमाज पढ़वाएगा। और देखो
अगर नमाज न पढ़ी तो आजाब आ जाएगा, खौफ नमाज पढ़वाएगा। देखो बहुत बहुत करीब होके, बहुत करीब होके अपने सुनने वालों से बातें कर रहा हूँ। ये दो लफ्ज नौजवान दोस्तों के जहनों में महफूज हो जाए, शौक और खौफ। अगर अगर सवाब का शौक है नमाज पढ़ेगा, अगर अजाब का खौफ है नमाज पढ़ेगा, और अगर अब इसे उलट दो, अगर सवाब का शौक नहीं है, अगर सवाब का शौक नहीं है नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर अजाब का खौफ नहीं है नमाज नहीं पढ़ेगा, तो जहां शौक और खौफ दोनों आ जाए उसका नाम है तकवा, जहां से शौक और खौफ दोनों चले जाए उसका नाम है फुजूर। बनफ्सिम वमा सवाहा, क्या उम्दा नफ्स हमने बनाया है। आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, सूरज गवाह है, चांद गवाह है, रोज सब का आना जाना गवाह है। कितना अच्छा नफ्स हमने बना दिया भाई, रुके रहना, इसलिए कि जाना बहुत दूर है। तो अब कौन शौक की तरफ माइल करे, कौन आदाब के खौफ में मुबतला करे, उस ताकत का जो इंसान को शौक दिलाती है सवाब का और खौफ दिलाती है अज़ाब का, उस ताकत का नाम है अक्ल। देखो चूंकि गुफ्तगू कर रहा हूं मैं सतह उमूमी से बुलंद, सतह उमूमी से बहुत बुलंद गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो मजमा बैठा हुआ है ना, ये भी सतह उमूमी से बुलंद है। जो सतह उमूमी है ना आम, उससे बुलंद मजमा है, इसलिए मैंने इन मसाइल को छेड़ा। तो अब अक्ल का किरदार सामने आया, अब जरा सुनते जाओ सुनते जाओ, और इस बात को ध्यान में महफूज रखो कि अकल का किरदार कहाँ आता है। सूरह यासीन में आवाज दी कि इंसान में तीन चीजें हैं, सबको मालूम है, सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुन्बितुल अर्ज़ व मिन अन्फुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। हमने हमने कायनात के सारे जोड़ों को तीन चीजों से बनाया, जिस्म दिया, रूह दी, नफ्स दिया। तो हर इंसान में, हर इंसान में जिस्म है, हर इंसान में जिस्म है, हर इंसान में रूह है, हर इंसान में नफ्स है, तवज्जो है। अब इन तीन चीजों से मिलकर जो मिजाज बनेगा वो भी तीन किस्मों पे होगा भाई। जिस्म है तो फितरत आएगी, रूह है तो अकल आएगी, नफ्स है तो ख्वाहिश आएगी। देखो अखलाकियात के, अखलाकियात के और फलसफे के दकीक तरीन मसाइल हैं जो आपके सुनने वालों की खिदमत में दिया कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास जिस्म है तो फितरत के तकाजे तो पूरे होंगे, फितरत तो आएगी, तुम्हारे मिजाज में फितरत होगी, है ना। अगर तुम्हारे पैकर में रूह है तो तुम्हारे मिजाज में अकल आएगी, अगर तुम्हारे पैकर में नफ्स है तो तुम्हारे मिजाज में ख्वाहिश आएगी। सब कुछ अकल नहीं है भाई, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को। सब कुछ अकल नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाहिश अकल को दबा लेती है। मिसाल दूंगा, अब देखो मौजू ऐसा ना, तहजीब नफ्स और तहजीब हाजिर, मिसाल दूंगा ताकि मेरे सुनने वालों तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। कभी कभी ख्वाहिश, भाई सुनना, बहुत बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, जिस नाजुक मरहले फिक्र पर रोक रहा हूं, कभी 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 ऐसा होता है कि ख्वाहिश ख्वाहिश अकल को दबा लेती है। मिसाल दो भाई, बहुत बहुत करीब की मिसाल है। अकल ने कहा, तवज्जो रे, अकल ने कहा, नहीं अभी अकल कहा है, अभी तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ख्वाहिश पैदा करती है। भाई खाने के लिए कुछ चाहिए ना, पेट के जहन्नम को ईंधन तो चाहिए ना। तो कहा भाई अगर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अगर एक देखो ख्वाहिश, अगर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो माश का मसला हल हो जाए, ख्वाहिश है ना। अब अकल ने सुझाया कि देखो अच्छी नौकरी इस मुआशरे में इन हुक्मरानों में कैसे मुमकिन है। भाई जिन्हें खुद माल बिटोरने से फुर्सत नहीं है वो दूसरों को क्या देंगे, ठीक है ना। सुने जाओ सुने जाओ, अच्छा तो अब ख्वाहिश हुई कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अब अकल ने तरीका सुझाया, देखना जरा सोचने वाली बात है।
कि अगर फला से सिफारिश करवा दो तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो ख्वाहिश थी कि नौकरी मिल जाए, ख्वाहिश थी कि नौकरी मिल जाए। अकल ने रास्ता दिखलाया कि भाई नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए कोई काम इस मुल्क में सिफारिश के बगैर होता नहीं है। देखो अभी तो मैंने सिफारिश का तस्करा किया है, अब उससे बड़ा नुस्खा कीमिया अभी बताऊंगा कि अगर काम सिफारिश से ना हो तो किस चीज से होगा, अभी बताऊंगा। अच्छा तो अब अकल ने नफ्स ने ख्वाहिश की कि नौकरी मिल जाए, अकल ने कहा फला से सिफारिश करवाओ नौकरी मिल जाएगी। अब फला से सिफारिश करवाई नौकरी नहीं मिली, अब अकल सोचने बैठ गई कि भाई सिफारिश से तो नौकरी नहीं मिली, तो अब नौकरी दोबारा चाहिए, तो अब एक तरीका इस मुल्क में आया जाए और वो ये है कि किसी बड़े को रिश्वत दे दो नौकरी ले लो। किसी बड़े को जो नौकरी दिलवा सकता हो रिश्वत दे दो नौकरी ले लो। तो देखा तुमने अकल ने रिश्वत देने पे कैसे आमादा किया, और अब वो जो रिश्वत ले रहा था उसने रिश्वत तो ले ली और जमीन ने मरामत भी की। बोला उक्समो बिन्नफ्सिल्लाह वामा कल की आया, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की के जो गुनाह के बाद मलामत करता है। अब उधर रिश्वत उसने दे दी नौकरी के लिए, तवज्जो रहे रिश्वत तो दे दी लेकिन जमीन ने मरामत भी कर ली। अब उसकी अकल उसे जवाब पेश कर रही है कि भाई क्या करे, रिश्वत ना लेते तो क्या करते, इसे कि थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसलिए रिश्वत लेने का जवाब पैदा किया अकल ने। तो कभी ख्वाहिश अकल किताबे, कभी अकल ख्वाहिश किताबे, तो अब ऐसा लाओ जो ख्वाहिश को भी कंट्रोल करे अकल को भी कंट्रोल करे, उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो नफ्सों का तस्किया करेगा जब ख्वाहिश और अकल की जंग खत्म हो जाएगी। मुझे फिर आगे जाना है और इसी मरहले से आगे जाना है। भाई अजीब मरहला ये कि सारी दुनिया ख्वाहिश, ये लाखों अफराद जो तशरीफ फरमा है, कोई है जो कह दे कि मेरा दिल ख्वाहिश के बगैर है, मेरे दिल में कोई तलब नहीं है, मेरे दिल में कोई हवस नहीं है, मेरे दिल में कोई आरजू नहीं है, मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है? तो अब बैन अल-अक़वामी मजहब वाले उठ के खड़े हो गए। भाई सुनते जाओ, आज रहा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। बैन अल-अक़वामी मजहब वाले उठ के खड़े हो गए, नाम लो उस मजहब का। भाई बुद्ध मत के पुजारियों ने कहा, देखो गौतम बुद्ध तारीख इंसानियत का बहुत बहुत बड़ा इंसान है, मुझे उसकी बड़ाई में कोई शक नहीं है, मैं एतराज करता हूं उसकी बड़ाई का, लेकिन बड़ाई का एतराज करना और है और बात का तस्लीम कर लेना और। अब बहुत बहुत ही पढ़े लिखे मजमे को मैं गौतम बुद्ध का फलसफा बताना चाह रहा हूं, और अगर वो पहुंच गया तो मैं यहीं से तस्किया नफ्स और तहजीब नफ्स की तरफ चला जाऊंगा। तो कोई ऐसा है जो तमन्ना से खाली हो, ख्वाहिश से खाली हो, हवस से खाली हो? नहीं है ना। तो कहने लगे बड़े मजहबों वाले, बुद्ध मत वाले, जैन मत वाले, रियादत करने वाले, रोहबानियत करने वाले, कि भाई देखो एक चीज बताते हैं कि ये सारी उलझन जो है ना दुनिया में, वो फकत इसलिए है कि कोई दिल ख्वाहिश से खाली नहीं है। ये बुजुर्ग मुतलक तशरीफ ले आए तो करो मोहम्मद वाले मोहम्मद फलां से फलां कर छूटा वही से सिलसिले पे जो हो रहा हूं। देखो मेरा कोई सुनने वाला ऐसा नहीं है जो ख्वाहिश से खाली न हो, सारी उलझने ख्वाहिश की है, सारी परेशानियां ख्वाहिश की है, कोई तलब है, कोई तमन्ना है, कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है, जिसके चक्कर में सारी दुनिया लगी हुई है। तो बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी रहबरों ने कहा कि भाई सारी ख्वाहिशें दिल से निकाल दो,
सारी ख्वाहिशें दिल से निकाल दो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि जब बेगरज हो जाओगे, बेख्वाहिश हो जाओगे, तो कोई मसला रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। दुनिया दुनिया भाई, मेरा नबी तो बहुत बड़ा है, दुनिया अगर गौतम बुद्ध के फलसफे पे अमल कर रहे, दुनिया दुनिया अगर गौतम बुद्ध के फलसफे पे अमल कर ले, तो दुनिया मुतमइन हो जाए, आखिरत मिले या ना मिले दुनिया मुतमइन हो जाए। फिर सुनना एक मरतबा गौतम बुद्ध का फलसफा फिर सुनना, ताकि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। देखो सारी उलझनें, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारे प्रॉब्लम तुम्हें इसलिए है कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है। अगर दिल को ख्वाहिशों से पाक कर दो, कोई ख्वाहिश ना रहे, कोई ख्वाहिश ना रहे, कोई ख्वाहिश ना रहे, तो तुम मुतमइन हो जाओगे। जब तुम मुतमइन होगे, घर मुतमइन हो जाएगा, घर मुतमइन होगा, मुआशरा मुतमइन होगा, मुआशरा मुतमइन होगा, पूरा मुल्क मुतमइन हो जाएगा। अच्छा, तो ख्वाहिश को खत्म कर दो, रुके रहो, क्यों क्यों, इसलिए कि सुकून मिल जाए। ख्वाहिश को खत्म कर दो। क्यों खत्म करो, मैं पूछ रहा हूं गौतम मुझसे, उनके फॉलोअर से, कि भाई ख्वाहिश को खत्म करो, क्यों, इसलिए कि सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। यानी तुम चाहते ही हो कि सारी ख्वाहिशें दिलों से निकल जाए, ताकि सुकून मिल जाए। अरे भाई, ये सुकून मिलना भी तो एक ख्वाहिश है। सुकून मिलना भी तो एक ख्वाहिश है। तो तुमने सारी ख्वाहिशों से दिल को खाली किया एक ख्वाहिश के लिए। भाई ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम तहजीब नफ्स का मजहब है। पेट उसकी ख्वाहिश से भी पूरा करो, आंख उसकी ख्वाहिश से भी पूरा करो, दिमाग उसकी ख्वाहिश से भी पूरा करो। मोहब्बत जज्बा है, ख्वाहिश है मोहब्बत करो, नफरत जज्बा है, नफरत करो। यानी अल्लाह ने, कुरान ने, इस्लाम ने पाबंदी जज्बे पे नहीं लगाई, पाबंदी जज्बे पे नहीं लगाई, जज्बे को सही रास्ते पे लगा दिया। देखो कहा गौतम बुद्ध का फलसफा, और कहा कुरान मजीद, व नफ्सिम वमा सवाहा व अलहमा फुजूरहा व तकवाहा कद अफलाह मन ज़क्काहा। हम ये नहीं कहते कि नफ्स को अपनी सारी ख्वाहिशों से पाक कर दो, नहीं, मुमकिन ही नहीं है। नफ्स को पाकीजा बना लो, ताकि हर ख्वाहिश पाकीजा बन जाए। सुनते जा, नफ्स को बहुत दूर जाना है, सुनते जाओ, नफ्स को पाकीजा बनाओ, पाकीजा बनाओ नफ्स को, ताकि हर ख्वाहिश पाकीजा हो जाए। हम नहीं मना करते कि मोहब्बत न करो, कहां कुरान ने लिखा है कि मोहब्बत मत करो, कहां लिखा है कुरान ने, करो, फितरी जज्बा है मोहब्बत, फितरी जज्बा है मोहब्बत, से नहीं रोकता मोहब्बत। ऐसा सैलाब है, मोहब्बत ऐसा सैलाब है कि उस सैलाब के सामने जो आ जाए वो खाचो खाचा कितने बह जाएगा। तो अल्लाह ने मोहब्बत पर बंद नहीं बांधे, बल्कि मोहब्बत का रास्ता मुहैया कर दिया कि इनसे करो, इनसे न करो। मैं अपनी मंजिल फिक्र से करीब हो रहा हूं, मोहब्बत फितरी जज्बा है ना। अच्छा, तो भाई से मोहब्बत करना फितरी जज्बा है, मुमकिन नहीं है कि भाई हो और मोहब्बत ना हो। परवरदिगार ने ये नहीं किया कि उस मोहब्बत के आगे बंद बांध दिया हो, कहा नहीं, तुम भाई से मोहब्बत करते हो ना, तो अब मैं उसूल बताता हूं कि कौन भाई है कौन नहीं है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, सारे मुसलमान भाई है। अब अगर मोहब्बत करनी है तो सबसे करो, देख रहा ना, देखो क्या समाज बना रहा है, क्या समाज बना रहा है इस्लाम। और इसी तरीके से जैसे मोहब्बत वैसे नफरत, फितरी जज्बा है, फितरी जज्बा है, फितरी जज्बा है, नफरत से रोका नहीं जा सकता। नफरत तो होके रहेगी, जैसे मोहब्बत होती है ना, वैसे नफरत होके रहेगी। तो परवरदिगार तुम्हें नफरत से नहीं रोकेगा, बल्कि नफरत को रास्ते पे लगा देगा कि भाई अगर इनसे मोहब्बत करो तो उनसे नफरत करो।
पहुंच गई ना बात, तो न मोहब्बत का पाबंदी लगाई ना नफरत का पाबंदी लगाई। देखो गजब गुस्सा फितरी जज्बा है, गुस्से से मना नहीं किया, गजब गुस्से से मना नहीं किया। गजब का उर्दू तर्जमा करो गुस्सा, ठीक है ना। अगर अल्लाह गुस्से से मना करता तो वो आयत कहां जाती, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, वो तो खुद गजब नाज़िल करता है, वो तो खुद गजब नाज़िल करता है। भाई तवज्जो रे, अल्लाह भी तो कभी जलाल में आता है ना, कभी गजब में आता है। तो फितरी जज्बा है गजब का, और फितरी जज्बा है राजी होने का। नाराज होना यह भी फितरी है, राजी होना यह भी फितरी है, और ये दोनों फितरी जज्बे अल्लाह की सिफात हसना से निकले हैं। भाई गजब मैंने दिखा दिया, फकत बाहू बे गजब मिन अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के गजब का शिकार हो गया यहूदी तो गजब करता है और राजी भी होता है। या कल की आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जई इला रब्बिके राजियतन मर्दिया, तू अल्लाह से राजी हो, अल्लाह तुझसे राजी हो। तो अल्लाह अल्लाह गजबनाक भी होता है, अल्लाह राजी भी होता है। तो हम तुम्हारे जज्बे को मना नहीं करते, तुम्हारा जी चाहे गजबनाक हो जाओ, तुम्हारा जी चाहे राजी हो जाओ, लेकिन बस बात कुल इतनी है कि जिस पर अल्लाह गजबनाक हो उस पर तुम भी गजबनाक हो जाओ, जिससे अल्लाह राजी हो उसे तुम भी राजी हो जाओ। यानी खुदा के गजब में शरीक रहो, खुदा की रजा में, खुदा में नहीं उसके इस अमल में, कि जिससे गजबनाक हो जाए तुम भी गजबनाक हो जाओ, जिससे राजी हो जाए तुम भी राजी हो जाओ। अब खुदा का गजब क्या पता किस पे आया किस पे नहीं आया, खुदा की रजा क्या मालूम किससे है, किससे मुतालिक है किससे नहीं है। तो अब कोई ऐसी जात तो हो कि जिसका गजब खुदा का गजब हो, जिसकी रजा खुदा की रजा हो। सुनते जाओ, इन्हें क्या बात, बहुत दूर ले जा रहा हूं मैं, और वहां तक पहुंचने के लिए ये मरहले जरूरी हैं। मोहब्बत करो, हम बताएंगे किनसे करो, नफरत करो, हम बताएंगे कि किनसे नफरत करो। ये कुरान में फिरौन के और नमरूद के और हामान के जो किस्से लिखे हुए हैं, ये मकाम इबरत है भाई, इसलिए लिखा है कि नफरत करो, बुराइयां देख के नफरत करो। तवज्जो है, अल्लाह अल्लाह गजबनाक होता है, जिससे अल्लाह गजबनाक हो जाए तुम भी गजबनाक हो जाओ। अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह राजी हो जाए तुम भी उससे राजी हो जाओ। तो अब मालिक कैसे पता चले कि तू किससे गजबनाक है, तू किस पे राजी है। तो अब मेरे रसूल ने आवाज दी, सही किताब की सही रिवायत, इन्नल्लाह शहजादी आई रसूल की मस्जिद में, रसूल उठ के खड़े हुए, पहुंच गए शहजादी आई रसूल की बेटी मस्जिद में आई, रसूल उठ के खड़े हुए, अपनी जगह पे बिठा दिया। एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बेटी का इतना एहतराम, कहने लगे कैसे एहतराम न करूं, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यर्ज़ा लिरज़ाहा। भाई इसका गजब अल्लाह का गजब है, इसकी रजा अल्लाह की रजा है। बस अब बीवी के किरदार पे निगाह रखना, जिससे राजी हो राजी रहना, जिससे नाराज हो जाए नाराज हो जाना। अपने सुनने वालों को लेके आ गया, अब फिर वापस जा रहा हूं मैं, फिर वापस जा रहा हूं। कुछ काम अकल करे, कुछ काम ख्वाहिश करे, समझ में आ गई ना बात। कुछ काम अकल अंजाम देती है, कुछ काम ख्वाहिश अंजाम देती है, लेकिन सुनो सब कुछ अकल नहीं है। प्यास लगी भाई सुन ला, किसे लगी, ख्वाहिश को, नफ्स को। अकल ने कहा पानी पी ले, लेकिन अकल पानी ला के देगी नहीं, फितरत लाएगी पानी ला के देगी। ये टीम वर्क चल रहा है, इससे ज्यादा आसान फलसफे के दकीक तरीन मसाइल को मैं इससे ज्यादा आसान क्या करूं। भाई प्यास लगी थी नफ्स को, अकल ने कहा जब प्यास लगे तो पानी पी ले, और फितरत ने ला के दे दिया कि ये है पानी, तवज्जो है, ये है पानी। भूख लगी नफ्स को, अकल ने कहा जिसे भूख लगे
उसे खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। फितरत ने उसे लाके दे दिया खाना कि ये है खाना एक लुकमे के लिए। कुछ तुम्हें अंदाजा है कि ये पूरी कायनात कर क्या रही है? एक 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 लुकमे के लिए कुछ अंदाजा है कि हो क्या रहा है? एक लुकमा रोटी का एक लुकमा। वह शमसे बदुहा वह कमरे दा तलाहा वह नहारे दा जल्लाहा वह लैले दा यक्षाहा वह समाए वमा बनाहा वल अर्दे वमा तहा। भाई अजीत ये आयतें जहन में रहे। एक लुकमा तुम्हारे मुंह तक जाना है, ठीक है ना, तुम्हारे मुंह तक एक लुकमे को जाना है। अब जरा आयतों को जहन रखना। सूरज भी है, चांद भी है, जमीन भी है, आसमान भी है, हवाएं भी है, दिन भी है, रात भी है, सभी कुछ है ना। और अल्लाह ने इन मज़ाहिर फितर को तुम्हारे सामने पेश कर दिया कि भाई इन्हें देखो, ये गवाह है, ये गवाह है। किस बात के गवाह है? तुमने जमीन ली, जमीन में जरात की, गंदू का बीज डाल दिया। भाई रोटी का एक लकमा जाना है तुमने, तुमने गंदू का बीज डाल दिया, जमीन ने उस बीज को कबूल कर लिया, ठीक है ना। तुमने पानी डाला, पानी ने उसे नशोनुमा दे दी। हवाएं चली, हवाओं ने उन पौधों में बारीकी पैदा कर दी। फिर सूरज चमका, सूरज ने उसे पका दिया। फिर चांद चमका, चांद ने गले में मिठास पैदा की। वह शमसे बदुहा, वह शमसे बदुहा वल कमरे दा तला वल नहारे दा जल्ला वल लैले दा यक्षा वल समाए वमा बना वल अर्दे वमा ता। अच्छा अच्छा, तो अब देखा सूरज ने भी काम किया, चांद ने भी काम किया, जमीन ने भी काम किया, हवाओं ने भी काम किया, और अब गंदुम तैयार हो गया। काट के ले आए, गंदुम ले आए ना, जब ले आए चक्की में पीसा, चक्की में पीसने के बाद उसका आटा बनाया, आटे को पानी में फिर गूंदा, जब गूंद के तैयार कर लिया, अब आग जलाई, आग पे तवा रखा और अब रोटी पकाई, और एक लुकमा दहन तक गया, उसमें सूरज भी शरी, चांद भी शरी, जमीन भी शरी, आसमान भी शरी। वशम से बदुआ, सांस का भी जवाब नहीं है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने कसम और अजीबोगरीब खाई है, बस सुबह इज़ा तनफ्फसा, कसम है सुबह की जब लंबी सांस ले। सुन रहे हो ना? आज आज कुछ मसाइल हल हो जाए। अच्छा, तो एक लुकमे के लिए सूरज भी काम करे, चांद भी काम करे, जमीन भी काम करे, हवाएं भी काम करे, आसमान भी काम करे, और वो एक लुकमा कितनी मेहनत से तुम्हारे मुंह तक जा रहा है, कितनी मेहनत से जा रहा है। मत खाओ, मत खाओ, छोड़ दो। कहा नहीं, नफ्स को लगी है भूख और अकल ने कहा कि रोटी पकाओ, रोटी पकाओ, और अब फितरत ने रोटी पकाई। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तीनों का टीम वर्क समझ में आ गया, तीनों का टीम वर्क। भूख लगी, रोटी पकी, और अब रोटी को मुंह के हवाले होना है, और हाथ से नीचे रोटी को उतार जाना है। बस अब यहां मजहब का किरदार आ गया, और यहां तहजीब नफ्स आ गई कि तुम्हें देखना यह है कि ये रोटी हलाल की है या हराम की। यही तो देखा जाएगा, यही तो देखा जाएगा, तहजीब तुम्हारे तहजीब नफ्स को यही जांचा जाएगा कि तुम खा लेते हो या ये देखते हो कि रोटी हलाल की है या हराम की। भाई कुरान ने आवाज दी, सूरह अनाम, बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा इस आयत मुबारक से, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, लेकिन मैं बहुत तेजी के साथ गुजरूंगा। सूरह अनाम छठा सूरह, आयत का निशान 145। उल्ला अजदो, भाई अजीब गरीब आयत है। सीमा उहिया इलैया,
मुहर्रमिन मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमहु इल्ला अन यकूना मैततन औ लहम खिंजीरिन औ दमन मसफूअन फइन्नहु रिज्सुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाह फमन इस्तरा गैरा बागिन वला फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। देखो अब मैं मजबूर हो गया, मेरे दोस्तों सुनना, ये जो शुरू का टुकड़ा है ना आयत का, मैं ठेठ लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं और मफहूम तुम्हारे जहन के हवाले कर रहा हूं। पैगंबर फरमाते हैं, हबीब कह दो, अल्लाह कहता है उसे। अब पैगंबर फरमा रहे हैं कि मैंने जितनी भी चीजें मुझ पर वही की गई है, जितनी भी चीजें मुझ पर वही की गई है कि फला फला चीजें हराम है खाने वालों के लिए, सिवाय इनके मुझे और नहीं मिली। देखो मैं बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मैं सिवाय इनके मुझे और नहीं मिली। अच्छा तो वो चीजें क्या हैं, वो चीजें क्या हैं जिनको परवरदिगार आलम ने वही के जरिए हराम कर दिया? मुर्दार, मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, मुर्दार, तवज्जो रे, मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जबीहा जो मुशरिक करे शिर्क के नाम पर। भाई अजीब व गरीब मरहला फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं। क्या क्या चीजें हराम है? पैगंबर कह रहे हैं आयत है कुरान की कि इनके अलावा मुझ पर कुछ ही चीज की हराम होने की वही नहीं की गई। यानी अजीब व गरीब मरहला है जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। क्या कुत्ते का गोश्त हराम नहीं है? है ना, लेकिन रसूल तो ये कह रहे हैं कि मुझ पर तो बस इतनी चीजों के हराम होने की वही की गई। इतनी चीजों के हराम होने की मुझ पर वही की गई है, इसके अलावा तो है नहीं। तो फिर ये कुत्ते का गोश्त हराम कैसे हो गया? या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा है। तो भाई रसूल के लिए जरूरी नहीं है कि हर हुक्म वही से आए, रसूल का मिजाज मिजाज वही लाई है। भाई सुनते जाओ, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत बहुत दूर जाना है। अच्छा तो जो मुशरिक गोश्त पेश करे वो खाना हराम, मुशरिक का दर्जा जायज नहीं है। जैद ने रसूल अल्लाह की दावत की और एक भेड़ की एक भुनी हुई रान रसूल के सामने रख दी। जाओ सीरतुल नबी में और तफसीर की किताबों में इस वाक्य को देखो और इस वाक्य को देखने के बाद इबरत हासिल करो। जैद ने दावत की, पहचानते हो जैद को ना, जैद ने हारसा दावत की रसूल आए खाने के ऊपर। जब बैठ गए तो भेड़ की एक भुनी हुई रान उनके सामने रखी। रसूल ने सवाल किया कि ये किसने जिबा की? मुशरिक ने, जबिया मुशरिक का है। रसूल ने यही आयत पढ़ी, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, जो मुशरिक जिबा करे उसका खाना हराम है। आम मुसलमान के लिए खाना हराम है। अरे मैं तो रसूल हूं, पाबंद शरीयत के लिए मुशरिक के हाथ का दबिया हराम है। मैं तो बारिश शरीयत हूं, मैं कैसे खा लूं? तो रसूल एक लुकमा भी मुशरिक के जबीहे का नहीं खा सकता। अब तुम मुझे अपने विजदान को गवाह बना के बताओ कि 45 साल जो अबू तालिब के घर में खाना खाते रहे, अबू तालिब की तहारत के लिए काफी है। कभी फिर सही। अब मैं फिर वापस जा रहा हूं तो कुछ काम ख्वाहिश करती है, कुछ काम अक्ल करती है। अब देखो कुछ जस्ता जस्ता बातें हो जाए
ताकि आज उसलूब कलाम मुअय्यन हो जाए कल के लिए। फितरत के दो उसूल, अगर कुछ काम हुआ है तो कोई करने वाला है। बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है। देखो आयत हदीस पढ़ूं तो मेरे इस उसूल को रिजेक्ट कर देगा, मत मानना। मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम मेरी आयत को हदीस, मेरी बात को आयत या हदीस के सपोर्ट में मानो। मैं तो एक कॉमन सेंस की बात करना चाह रहा हूं। फितरत के दो उसूल, कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है तो कोई काम करने वाला है, ठीक है ना। पहला उसूल है, कोई काम हुआ है तो कोई काम करने वाला है, और अगर काम करने वाला अकलमंद है तो यकीनन काम में गलत भी होगी। दो उसूल भाई, सुनना, इसलिए बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं मैं। कोई काम हुआ है तो कोई करने वाला है, और अगर काम करने वाला अकलमंद है तो उस काम में गलत भी होगी। दो उसूल समझ आ गए। पहला उसूल ले जाता है तौहीद तक, और दूसरा उसूल ले जाता है कयामत तक, और तुम इन दोनों के दरमियान में हो। नाजुक मरहले पे ना, देखो बहुत करीब होके नौजवान दोस्तों को पैगाम दे रहा हूं, जहां जहां भी बैठे हुए सुनो, और इसे अच्छी तरह याद रख लेना, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे ये जुमले काम आएंगे। पूछेंगे लोग तुमसे कि भैया ये पांच सूरह दिन कहां से ले आए, तुमसे पूछेंगे तो तुम कहना हदीस पे इतना रखो, अभी बाद में बात करेंगे, कुरान को भी बाद में रख दो, अभी बाद में कुरान से बात करेंगे। जरा ये फितरत के उसूलों को तो देखो, तवज्जो रहे। तो फितरत का पहला उसूल है, अगर काम हुआ है तो कोई काम करने वाला है, अगर कायनात बनी है तो कोई खालिक है, और अगर बनाने वाला अकलमंद है तो उसकी कोई गरज है, गरज है कयामत। तो पूरी इंसानियत तौहीद और कयामत के दरमियान है ना, है तवज्जो हाथ मत बोलना। अच्छा, और अब तुम अपने आप को देखो, खोलेकल इंसानों ज़ईफ, हमने इंसान को बड़ा कमजोर बनाया। अच्छा, वाकई कमजोर बनाया, और शाम गरीबा तक इंतजार करो, मैंने कमजोर होने का जस्टिफिकेशन दिया है कि अल्लाह ने कमजोर क्यों बनाया। ठीक, आज गुफ्तगू नहीं होगी, इंसान को कमजोर बनाया। मालिक कमजोरी को रफा कैसे करेगा? कमजोरी बंदे की एहतियात है, कैसे रफा होगी? कहा मत घबराओ, मां को साथ रखूंगा ताकि उसे खेजा मिलती रहे, कमजोरी दूर होती रहे। कमाल है, कमाल है, उस करीम की करीमी का कमाल है कि अभी तुम आए नहीं हो दुनिया में, जैसा का बंदोबस्त पहले है ना। अच्छा, अभी तुम दुनिया में नहीं आए हो, जैसा का बंदोबस्त पहले से है। अच्छा, तो ये एक तुम आयब लेके आए हो दुनिया में, कमजोरी का एक और भी तो आयब लाए हो, वरना हो आखिर हूं मैं बुतू में हूं महा हूं ला पाऊ है। तुम दुनिया में आए हो, तुम दुनिया में आए हो तो जाहिर आए हो। तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत गजा नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत है इल्म, और इंसान की सबसे बड़ी एहतियाज गजा नहीं है, सबसे बड़ी एहतियाज है इल्म, और इंसान का सबसे बड़ा ऐब कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ा ऐब है जहालत। जहालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी, इतनी बुरी है कि परवरदिगार ने कुरान में आवाज दी, या निसान नबी, सूरह अहज़ाब 35वां सूरह है कुरान का, और बरकात की जुमला करो और मैं फिर वापस जाऊंगा उसूल दीन की तरफ, लेकिन अभी रुके रहना। या निसान नबी, ऐ नबी की बीवी और अज़वाज मुतहरात को खिताब कर रहा है परवरदिगार, कदर करो इन आयतों की। या निसान नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसाए, ऐ नबी की बीवी, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, जो नबी के घर में आ जाए वो आम औरतों जैसी ना हो तो खुद नबी तुम जैसा कैसे हो गया। ठीक है ना भाई, मैं तो आयत पढ़ रहा हूं। अच्छा, और तरतीब से भी नहीं पढ़ रहा हूं, तफसील के साथ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। करना फिर भी उसे कुल्ला, देखो नबी की बीवियों अज़वाज मुतहरात से किस मोहब्बत और किस प्यार से परवरदिगार गुफ्तगू कर रहा है। अरना फी बुयूते कुन्ना, आए नबी की बीवियों अपने घरों ही में रहना, और शर्त नहीं है कि ज़माने रसूल तक, हमेशा घर में रहना। देख रहे हो ना, देख रहे हो सूरत हाल को,
वला तबर्रजना, इस टुकड़े के लिए मैंने रहमत दी। तबर्रुजल जाहिलियत उला, और देखो जाहिलियत उला के जमाने की औरतों की तरह बढ़ सबर कर बाहर ना निकलो। जो नबी के घर में आ जाए, जो नबी के घर में आ जाए, अल्लाह को पसंद नहीं है कि उसके किरदार में जाहिलियत हो और खुद नबी जाहिल हो, यह कैसा अकीदा है? समझ रहे हो ना बात? बात पहुंच गई। अच्छा, तो अब बड़ी एहतियाज इल्म है और बड़ा ऐब जहालत है, ठीक है ना? किसके जरिए दूर किया इस जहालत को? भाई अगर जहालत दूर ना हो तो रोटी भी ना मिले, है ना? ये फैजा भी इल्म ही पर मबनी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो कुरान ने आवाज दी, लकद इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने जो नबी बनाए हैं वो इल्म की बुनियाद पे बनाए, जहालत की बुनियाद पे नहीं बनाए। तो अगर तुम्हारी एहतियाज इल्म है भाई, तवज्जो रहे, अगर तुम जाहिल हो तो हमने तुम्हारे लिए आलिम बना दिए। तवज्जोहात मबदूल रहे हैं, तुम कमजोर हो ना इल्म में, तुम इल्म में कमजोर हो, तुम जाहिल हो तो हमने सहारे में आलिम दे दिए। तो अब उसूल तय हो गया भाई, तवज्जो रखना। अगर काम हुआ है, अब मैं पिछली सारी तकरीरों का खुलासा कर रहा हूं, अगर कोई काम हुआ है तो कोई खालिक है तौहीद। काम अगर कमाल की बुनियाद पे हुआ है तो खालिक आदिल है, अदल। अगर तुम जाहिल हो तो हमने तुम्हारे लिए नबी रखे नबूवत, और अगर तुम्हारी जाहिलियत बरकरार है तो आखिरत तक कोई हिदायत करने वाला जाएगा, इमामत है या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गई ना बात? मैंने कोई आयत पे रिवायत तो नहीं पढ़ी ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बतलाना चाह रहा था कि ये है उसूल दीन, तौहीद और क़यामत के दरमियान है। पूरी इंसानियत तौहीद और क़यामत के दरमियान है। दुनिया स्टेशन है काफिलों का, काफिले आते हैं। भाई स्टेशन का मतलब क्या है? काफिले आए, गाड़ी आई, चले गए, स्टेशन फिर सूना हो गया, यही है ना? तो यह दुनिया गुजरगाह है, मंजिल नहीं। यह दुनिया काफिलों का स्टेशन है, पड़ाव है, कुछ देर ठहर कर दम लेकर तुम्हें आगे बढ़ जाना है। भाई यही सबब है कि सुलेमान ने दुनिया मांगी, सुलेमान जैसा नबी। दुनिया मांगी या नहीं? हुकूमत मांगी थी ना हुकूमत सुलेमान ने। अब मैं क्या करूं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में, सुलेमान ने दुनिया मांगी, लेकिन किस शान के साथ दुनिया? सूरह फौर और तीसवा सूरह कुरान मजीद का, रब्बे इग़फिर ली। भाई बहुत तवज्जो रखना, ये जो आयत में हदिया कर रहा हूं सुलेमान का पूरा करेक्टर है आयत मुबारका में, रब्बे इग़फिर ली व हब ली मुल्कन ला यंबगी लिअहद बादी इन्नका अंतल वहाब। फिर सुनना, रब्बे इग़फिर ली व हब ली मुल्कन ला यंबगी लिअहद बादी इन्नका अंतल वहाब। परवरदिगार मेरी मदद कर दे, मेरी बख्शिश कर दे। दुआ क्या मांगी? मेरी बख्शिश कर दे। और उसके बाद कहा, मालिक मुझे ऐसी हुकूमत दे दे जो मेरे बाद किसी और को न मिले। इन्नका अंतल वहाब, इसलिए तू ही अता करने वाला है, कोई और मुझे दे नहीं सकता। पहले है मखरत की दुआ, बाद में है हुकूमत की दुआ। ऐसा हुक्मरान हो तो नबी कहलाए, ऐसा हुक्मरान हो तो कुरान उसे नबूवत की फहरिस्त में रखे। भाई ये हाकिम बाद में, नबी पहले। रब्बे फिर ली परवरदिगार मेरी बख्शिश कर दे, मेरी मकसद कर दे, मेरी आखिरत को महफूज कर दे, और परवरदिगार ऐसी हुकूमत दे दे जो मेरे बाद किसी और को न मिले। पहले बख्शिश की दुआ, अगर बख्शिश ही न हो तो दुनिया की हर नेमत बकवास। नबीउल्लाह सुलेमान, उनका यह पैगाम याद रखना, अगर मगफिरत न हो तो कुर्सी सदारत भी बकवास है, कुर्सी विरासत उज़्मा भी बकवास है। असल बुनियाद मगफिरत है, तवज्जो रखना, मगफिरत है। हम दुनिया और आखिरत के दरमियान है ना। अच्छा, सखरना। अब देखो जवाब आया सुलेमान की दुआ का, पहले कहा था मगफिरत कर दे तो मगफूर तो है, इसलिए मगफूर है कि नबी है, ठीक है ना? अब आवाज दी, सखरना लहू रीहा तजरी भी अम रही रुखान है तो अथा। भाई अजीब गरीब आयत है, वह शयातीन कुल्ला बंडा इन वगवार, हमने हमने
सुलेमान के लिए मुसक्कर कर दिया हवाओं को। अब जहां सुलेमान जाना चाहे हवाएं उसे आहिस्तगी से उठाएं, आहिस्तगी से उतार दें। और हमने ये जो देव थे, जिन्नात थे, इफरीत थे, शैतान थे, उन्हें मुसक्कर कर दिया कि वो समंदरों में गोते लगाएं और सुलेमान की मनपसंद चीजें लाएं। और हमने उन देवों को, उन जिन्नातों को मुसक्कर कर दिया कि सुलेमान के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएं। भाई बहुत बहुत तवज्जो है। और दरमियान से एक आयत छोड़ रहा हूं, हाजा अताउना फमनुन और अमसित बगैर हिसाब। जाओ सुलेमान, ये हमारी अता है, ये हुकूमत जो तुमने मांगी है ये हमारी अता है। अब चाहे अपने पास रखो, चाहे बांट दो, बस बस मेरे दोस्तों। अब मेरे पास दामने वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सुलेमान, ये जो तुम्हें बादशाहत मिली है पूरी कायनात की, ठीक है ना, ये हमारी आता है। तुमने अपने जोरे बाजू पे नहीं लिए, जिसे जोरे बाजू मिले उसका नाम है जजा, और जिसे इनाम मिले उसका नाम है आता। भाई रुके रहना, मैं आता और जजा समझा दूं और फिर एक छोटी सी आयत पढ़ दूं और गुफ्तगू जो है अपने आखिरी मंजिलों से करीब हो जाए। हाजा आताओ ना हम लोग और हम जिग बेगे हता। सुलेमान, यह हुकूमत हमारी अता है, अता का तर्जमा सुन लो, इनाम, यह हमारा इनाम है, ठीक, चाहे अपने पास रखो चाहे बांट दो, हम हिसाब नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं कि हुकूमत फला को क्यों दे दी, फला को क्यों दे दी, बांट दो, ये हमारी अता है। तो अता वो है जो बगैर इस्तेहकाक के मिले, इनाम है ना। और जजा, मैंने मेहनत की, आप मुझे जजा देंगे, नहीं देंगे तो इंतजार महफूज होंगे। तो जजा तो वाजिब हो जाती है, अता चाहे हो या ना हो, अता चाहे मिले या ना मिले, जजा बदला तो मिलकर रहेगा, जजा तो मिलकर रहेगी। तो सुलेमान को हुकूमत अता की है, अता जजा नहीं है। और सूरह हलाता में आवाज दी, वजजा हम बेमा सबरू जन्नतन, हमने आले मोहम्मद को जन्नत अता नहीं की है, जजा में दी है। बात मेरे मोहतरम सुनने वालों का, सुलेमान को हुकूमत आता में मिली थी, उन्हें बांटने का इख्तियार, आता को बांटने का इख्तियार दे दिया। तो जिसकी मिल्कियत जन्नत मिल जाए, जिसकी मिल्कियत जन्नत बन जाए, क्या उसे बांटने का इख्तियार नहीं होगा? भाई कहने लगे कि हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि अली कैसे जन्नत बांटेंगे। तो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आती तो अपनी जगह रहो, उन्हीं को बांटेंगे जिनकी समझ में आती है। मेरी तकीर आखिरी मरहलों से करीब हो गई। क्या भूल गए उस रिवायत को, हुब्बु अलीयिन जवादुल जन्ना। भाई बहुत से लोग अरब मुल्कों में गए होंगे, है ना, बहुत से मोहतरम मजमे में ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने खलीज में और दूसरे अरब मुल्कों के अंदर सफर किए हों और मुलाजमतें की हों, उन्हें मालूम है कि पासपोर्ट को कहते हैं जवाद। हुब्बु अलीयिन जवादुल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का पासपोर्ट है। गुफ्तगू को खत्म हो जाना है, इसलिए कि मेरे वो मानूस भाई
जो अपनी मस्जिदों तक पहुंचना चाहते हैं, उन्होंने आज टेलीफोन से मुझसे ये ख्वाहिश की कि मैं उन्हें इतना वक्त दे दूं कि वो अपनी मस्जिदों तक जा सके, तो अजान से कबल मस्जिद को खत्म हो जाना चाहिए। तो जब यहां तक बात आ गई, बात खत्म हो गई, रुको अली जवाब जन्नत। हम अब तक यही तर्जमा करते आए थे कि अली की मोहब्बत परवाने जन्नत है। आज जवाब के मानी समझ में आए? आज आज सही मानों में जवाब का मतलब समझ में आ गया? जरा किसी गैर मुल्क में बगैर पासपोर्ट के घुस के तो दिखाओ। अब इससे ज्यादा गुफ्तगु नहीं होगी, गुफ्तगु तमाम हो गई। लेकिन बड़ी अजीब और गरीब रिवायत जहन में आएंगे, बस उस रिवायत को सुनो और मुझे इजाजत दे दो। एक शख्स आया रसूल की खिदमत में, जाओ मनाकिब की किताबों में देखो। मैंने कभी इस किस्म की रवायत मिंबर से नहीं पढ़ी, लेकिन आज जी चाहता है कि पढ़ूं। तुम्हें हदिया कर रहा हूं, तुम्हें यह रवायत हदिया कर रहा हूं, जाओ मनाकिब की किताबों में देखो। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास कि या रसूलुल्लाह, जब आप नबी की ज़बान मुतहर से जो जुमला निकल जाए वो सनद है, क़यामत तक के लिए सनद है। या रसूलुल्लाह असूम व सल्ली व अमलु सालिहन, हल्ली नजात। अल्लाह के रसूल, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ और दूसरे आमाल सालेह भी करता हूँ, क्या मुझे नजात हो जाएगी? क़ाल अल्लाह, क़ाल नहीं। है ना मुसीबत? यानी ये ज़हन में रहे कि जन्नत की और नजात की शर्त है नमाज, लेकिन सब कुछ यही नहीं, सब कुछ यही नहीं है। और मेरा मिशन यही है कि मैं बताऊं, मेरा मिशन ये शर्त है जन्नत की, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खून हो, जिहाद हो, जितने भी हमारे साले आए अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर के ज़हन में जितनी भी चीजें आती हैं वो शर्त नजात है। लेकिन सब कुछ यही नहीं है, कोई चीज है, कोई चीज और है, है ना? या रसूलल्लाह उसल्ली व असूम व अमलु सालिहन, हल्ली नजा, नमाज भी पढ़ता हूँ या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह रोजा भी रखता हूँ, या रसूलल्लाह दीगर आमाले सालिह भी बजा लाता हूँ, मेरी नजात हो जाएगी? कहा अल्लाह, कहा नहीं हो। कहा या रसूलल्लाह, क्या नमाज नहीं बख्शवाएगी, क्या रोजा नहीं बख्शवाएगा, क्या हज नहीं बख्शवाएगा? कहा नहीं, ये चीजें ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं, वल्लाकिन मा शरायतिहा, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन भाई सुनना, ये उस वक्त नजात के लिए जरूरी होगी जब इसकी शर्त मुकम्मल हो। घबरा गया पूछने वाला, घबरा गया, कहने लगा या रसूलल्लाह वो शर्त क्या है, वो शर्त क्या है? अब सुनोगे? सुनना, रसूल कहने लगे लौ सल्लैता अल्फन व सुमता अल्फन व हजता अल्फन। भाई अजीब गरीब मरहले फिक्र है, व गजाउता मा कुल नबीन अल्फन व हजता मा कुल नबीन अल्फ हजतिन व अल्फ उमरतिन व करातत तौराता व ज़बूरा व इंजीला व कुराना कुल यौमिन व आमिल तबिहा। सुन पूछने वाले सुन, अगर तूने हजार साल नमाजें पढ़ी, हजार साल रोजा रखा, हजार साल हज किया, हजार नबियों के साथ हजार हजार जंगें लड़ी, हजार लाख सारे नबियों के साथ तूने हजार हजार हज किए, हजार हजार उमरे किए, तूने तौरात की तिलावत की, तूने ज़बूर की तिलावत की, तूने इंजील की तिलावत की, तूने कुरान की तिलावत की, हर रोज तिलावत की और उन पर अमल भी किया, तो अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, मेरी तकदीर तमाम होने वाली है। भाई फजूर के मुकाबले में तकवा समझ में आ गया? तकवा यही है कि अजाब इलाही पे डरते रहो, तकवा यही है कि सवाब की तमन्ना करते रहो, तकवा यही है कि नमाज रोजे पर आमिल रहो, लेकिन इमामुल मुत्तकीन का साथ छूटने न पाए। बस बस मेरी तकदीर तमाम हुई। क्या फजूर और तकवा को पहचानते नहीं हो? खूब पहचानते हो। बस दो जुमलों के अंदर गुफ्तगू को तमाम करूंगा। आशूर का दिन निकला और उधर से पेसारे साद ने अपनी कमान में तीर जोड़ा और तीर जोड़ने के बाद सुनोगे
कहने लगा लश्कर वालों गवाह रहना, लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर खयाम हुसैनी की तरफ मैं फेंक रहा हूं। भाई दो ही तो गवाहियां हैं कर्बला में, एक फुजूर की गवाही, एक तकवे की गवाही, दो ही तो गवाहियां हैं। पेशारे साद ने क्या कहा? लश्कर वालों गवाह रहना कि हुसैन के खैमों की तरफ पहला तीर मैं फेंक रहा हूं। और जब अकबर को भेजा है तो हुसैन ने क्या कहा था? परवरदिगार तू गवाह रहना। बस मेरे दोस्तों, मेरे पास अब वक्त नहीं रहा, लेकिन ये जुमले सुन लो। देखो लश्कर वालों गवाह रहना कि पहला तीर हुसैन के खैमों की तरफ मैं फेंक रहा हूं, और तुम यजीद के दरबार में, बादशाह के दरबार में चल के गवाही देना ताकि मुझे इनाम मिले। अब जो इनाम का लालच सुना ना लश्कर वालों ने, तो लश्कर वालों ने भी अपने कमानों में तीखे से यजीद की फौज में 4,000 तीरंदाज थे, 4,000 तीरंदाज। इधर पेशारे साद ने तीर फेंका हुसैन के खैमों की तरफ, और इधर 4,000 तीरंदाजों ने तीर फेंके। अच्छा उधर से 4,000 तीर एक साथ आ रहे हैं, और इधर तो 72 सीने भी नहीं है उन्हें रोकने के लिए। तुमने मेरे जुमले को महसूस किया? इधर तो 72 सीने भी नहीं है उन तीरों को रोकने के लिए, इसलिए कि 72 में एक 6 महीने का बच्चा भी है। आज रुको मेरे अल्लाह, सुनो, जब तीर चले हैं ना तो हुसैन के साहबियों में एक हैजान पैदा हुआ। जरा सा सुनना, दो चार जुमले सुन लेना कि हमारे पास इतना सामान नहीं है कि इन 4,000 तीरों को हम रोक सकें, लेकिन वाय हो हमारी जिंदगी पर अगर हमारी जिंदगी में कोई तीर हुसैन के खैमों तक पहुंचे। तो हुसैन के साथियों ने, बस दो जुमले सुन लो मुझे इजाजत दे, हुसैन के साथियों ने यह तय किया कि खयाम हुसैनी के सामने घोड़े मिला के खड़े हो जाए। आज रखूम अल्लाह, हुसैन के खैमों के सामने हुसैन के साथी घोड़े मिला के खड़े हो गए, लेकिन घोड़ों के दरमियान में जगह थी ना, तो वो लोग जिनके पास घोड़े नहीं थे ना, प्यादा थे, वो उन घोड़ों के दरमियान में बैठ गए कि तीर अपने ऊपर देंगे, हुसैन तक तीर को नहीं जाने देंगे। जालिमों ने तीरों की बारिश की, बस उन्हें गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। जालिमों ने तीरों की बारिश की, जालिम तीर फेंक कर थक गया। जब थक गया, तीरों की बारिश रुकी, तो हुसैन चले ये देखने के लिए कि कौन साथी जिंदा है, कौन साथी साथ छोड़ गया। हुसैन अभी अपने चंद दोस्तों को लेकर मकसद में घूम रहे थे कि इतने में किसी बीबी के रोने की आवाज आई। हुसैन ने पूछा, ये कौन बीबी है जो रो रही है? किसी ने हाथ जोड़ के कहा, फरजंदे रसूल, ये मुस्लिम इब्ने औसजा की कनीज है। अज़्ज़ुकुमल्लाह, आखिरी जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, फरजंदे रसूल, ये मुस्लिम इब्ने औसजा की कनीज है। सुनना जुमले सुनना, आए क्या पूछने लगे, क्या मुस्लिम गुजर गए? कहा, नहीं फरजंदे रसूल, अभी मुस्लिम में थोड़ी सी जान बाकी है। भाई ये सुनना था कि हुसैन तेजी से मुस्लिम के करीब आए, कनीज हट गई, मुस्लिम का सर लिया, अपने जालू पे रखा। एक मरतबा हबीब ने मज़ाहिर आए, भाई सुनना, हबीब भी साथी है हुसैन का, मुस्लिम भी दोस्त है हुसैन का। अब इन दोनों की गुफ्तगू सुनना। मुस्लिम की सांस उखड़ चुकी थी। हबीब ने कहा, हबीब भाई बहुत तवज्जो रखना, लेकिन इससे आगे जरा सा आगे मुझे जाना है। मुस्लिम का सर हुसैन के जानू पे। हबीब ने मज़ाहिर आए, कहा, मुस्लिम तुम्हारी सांस उखड़ चुकी है, तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, खैमे में तुम्हारी बीवी भी मौजूद है, तुम्हारी जौजा भी मौजूद है, मैं जिंदा हूं ना, तो मुझे वसीयत कर दो, अगर कुछ करनी है अपनी बीवी के लिए, अपनी जौजा के लिए और अपनी औलाद के लिए, वो मुझसे कर दो। एक मरतबा मुस्लिम ने आगे खोली, कहा, बीवी के लिए कोई वसीयत नहीं है, औलाद के लिए कोई वसीयत नहीं है, उसी का बेहादर मजलूम हबीब, मेरे बाद मेरे मजलूम मौला का ख्याल रखना।
अजरकुम अल्लाह मेरे मजलूम मौला का ख्याल रखना। बस बस दो जुमले सुनो। इतना कहा और हबीब की रूह कफ़त-ए उंधरी से परवाज कर गई। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कह के उठे। हुसैन अपने खेमे के दरवाजे पे आए। अब मंजर सुनना, हबीब का इंतकाल हो चुका, हबीब दुनिया से गुजर गए। एक मरतबा हुसैन की निगाह पड़ी, एक खेमे के दरवाजे का पर्दा उठा, एक खेमे के दरवाजे का पर्दा उठा। एक छोटा सा बच्चा, छोटे से कद का कमसिन बच्चा, इतना कमसिन कि जो तलवार उसके बाजू में हमारी थी वो जमीन पे खत देती जा रही थी, वो खैमे से बाहर निकला और बाहर निकलकर खैमे के अंदर उसने किसी को सलाम किया। जिसे सलाम किया वो नजर नहीं आ रहा है, सलाम किया और चला मक्तल की तरफ। हुसैन ने कहा ये किसका बच्चा है, अरे इसे बुला के लाओ, ये किसका बच्चा है। और साहब दौड़े दौड़े बच्चे को लेके आए। अब मैं रोक रहा हूं अपनी तकरीर को और एक सवाल करना चाह रहा हूं। बच्चा जा रहा था ना, छोटा सा बच्चा, असहाब गए उसे बुला के लाए, चुमकार के लाए होंगे, प्यार करके लाए होंगे, तमाचे मार के तो नहीं लाए होंगे ना। बच्चा आया कहा बेटे तू कहां जा रहा था। कहा मौला मैं मक्तल की तरफ जा रहा था। कहा बेटे तू मक्तल की तरफ क्यों जा रहा था। कहा मौला आपकी मदद के लिए। इतना गरीब है हुसैन के छोटे छोटे बच्चे रहम खा रहे हैं। कहा बेटे तेरी माँ खेमे में होगी, तू वापस चला जा। कहा मौला मैं क्या करूं, मेरी माँ ही ने तो तलवार बांधी है। हुसैन ने कहा वापस चला जा। एक मतलब खेमे का पर्दा फिर उठा, एक सिया बोझ भी थी बाहर आई, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला, मौला मैं मुस्लिम की बेवा हूँ, मौला मेरा आलिया को बोझी।